सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आज के इस सत्र में, जन्माष्टमी के बाती श्रृंगार के सत्र में आप सभी का खूब खूब हार्दिक स्वागत है। नंदन श्रृंगार द्वारा वैष्णव संग श्रृंगार की ये कड़ी में तीसरा आज जो लाइव होने जा रहा है उसमें आज हम जन्माष्टमी के बाती श्रृंगार देखेंगे और जन्माष्टमी का जो सेवा क्रम है उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा सत्संग करेंगे। सर्वप्रथम तो आज जन्माष्टमी के दिन प्रभु सूर्योदय से पूर्व जागते हैं, जगाने का क्रम सूर्योदय से पूर्व होता है और उसके तत्पश्चात उसके बाद प्रभु को पंचामृत मंगल भोग आए, मंगल भोग के बाद प्रभु को पंचामृत का क्रम होता है। अगर गुरु घर की आज्ञा हो तो आप पंचामृत का क्रम भी कर सकते हैं, बट अगर ऐसा ना हो तो आप अभ्यंकर दुहेरा अभ्यंग बड़ा अभ्यंग जो होता है उसके बाद आप अपना आगे का सेवा क्रम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद तुरंत आता है जो हमारा सबसे प्रिय है, वो श्रृंगार का क्रम। तो इस श्रृंगार के क्रम में आज जन्माष्टमी के जो बाती श्रृंगार होते हैं वो एकदम विशिष्ट और विशेष होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बाती पहले से ही धर दी है। यहाँ एक बड़ी सी बाती धरी है और उसके नीचे एक छोटी सी लंबी बाती की है हॉरिजॉन्टल, और फिर ऐसे खड़े खड़े पार्ट्स भी लगा दिए हैं बाती में लगाव के, जिससे हमारा श्रृंगार एकदम सही से अच्छे से रहे। आज श्रृंगार के क्रम में कुले जोड़ का भारी श्रृंगार होगा, केसरी मलमल के अपने घर के हिसाब से जो भी आपके वस्त्र श्रृंगार वस्त्र हो वैसे रहेंगे, और कुले जोड़ के श्रृंगार में भी भारी, वो भी कुले भी भारी होगी, और श्रीअंग पे जो बाती का श्रृंगार होगा वो हीरा मोती पन्ना माणिक मिलमा का अर्थात मिलमा का श्रृंगार होगा। बाती के श्रृंगार से सर्वप्रथम श्रीअंग की माला जो धरनी है उस क्रम से हम शुरुआत करते हैं। यह है माणिक की माला। सर्वप्रथम हम माणिक की माला से शुरू करेंगे। जब भी श्रृंगार धरना शुरू करें तो पहले से थोड़ी सी जगह छोड़ दें जिसके कारण हम जो हांस और हमेल होती है वो धर सकें। बाघ नखा भी आएगा तो वो सब श्रृंगार के लिए थोड़ी सी जगह हम पहले से ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम ये पन्ना की माला धरेंगे। अब अपने यहाँ ऐसा क्रम है, कि ये जो पदक हैं माला जी के सारे पदक हैं वो एक के नीचे एक होने चाहिए, जिससे हम ये शलाका का इस्तेमाल करते रहेंगे बार बार।
वापस एक के बाद एक, और वापस हम माणिक की माला धरेंगे। देखिए ये वापस पदक जो नीचे आता है उस शलाका से ऐसे ऊपर कर और ले लेंगे। देख देखिए और वापस से पन्ना की माला धर दी है और वापस से ये एक माणिक की माला आएगी। जितने धैर्य और शांति से करेंगे उतने ही उत्तम और अच्छे से होंगे। क्रमबद्ध एक के बाद एक माला जी धरते जाएंगे। देखिए
देख सकते हैं क्रमबद्ध एक के बाद एक माना जी जैसे धरते जाएंगे बाती का शेप अपने आप आने लगेगा। अब देखिए वापस ये पदक जो बीच में आ रहा है अब उसे वापस शलाका से ऐसे ऊपर कर ये माला जी नीचे सरका के वापस धर देंगे। अब ये बाती की अंतिम माला जी हम धर रहे हैं। वापस से हम शलाका को लेंगे पदक को ऐसे ऊपर करेंगे और फिर ये अंतिम माला जी हम ऐसे धर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम ऐसे लगाव पे हम दबाते रहेंगे जिससे श्रृंगार बड़े न हो जाए। देखिए बाती के जितने श्रृंगार होते हैं अब बाती कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगर मस्तक के श्रृंगार की ओर बढ़े सबसे पहले वाघनख। वाघनख जो जन्माष्टमी पे अवश्य आता है आपके पास हो धरना ही चाहिए ऐसे ये वाघनख भी धर दिया। इसके बाद हम एक के बाद एक हमेल धरेंगे अब सारी या अपने जो त्रवल कहें वो आएगी। इतना हो जाए उसके बाद देखिए अष्टमी पे अवश्य मकराकृत कुंडल आते हैं। मकर के आकार के मकराकृत कुंडल अवश्य आते हैं। जब भी कुल्हे जोड़ का श्रृंगार हो या सहरा का श्रृंगार हो तब आप ये मकराकृत कुंडल ही धरेंगे। इसके बाद जो अंतिम त्रवल हम जो श्रीअंग पे धरेंगे वो धर देते हैं। तो अपन ने श्रीअंग का जो श्रृंगार है बाती पे जितना आता है वो सारा कर लिया है।
अब बात आती है मस्तक के श्रृंगार की। तो मस्तक पे श्रृंगार की जो अब कुल्हे जोड़ का श्रृंगार है उसमें से कुल्हे की जो एक गोटी है वो हम पहले धरेंगे। देखिए उसके बाद कुल्हे धर दी, उसके बाद एक हम ऐसे लगाव की छोटी सी बाती करके वो भी धर देंगे जिससे एक नीचे बेस बन जाए। अब कुल्हे के ऊपर जितनी भी लर त्रवल आती है वो सारी हम एक के बाद एक धरना शुरू करेंगे। यूजुअली आप पन्ना की, माणे की या मिलमा की जितने भी त्रवल हो, लर हो आपके पास, आप धर सकते हैं। ये हमने सारी त्रवल धर दिए। अब बात आती है कुल्हे के छोड़ की। जब भी जन्माष्टमी आए तब हम ऐसे कुल्हे के जो कापड़ के छोर होते हैं वो तो धर ही सकते हैं, बट अगर आपके पास जड़ाऊ छोर विराजमान हो घर पे तो आप वो ही धरें। हाथ में, हस्त में, प्रभु के हस्त में हम एक हस्तकुल भी धर देंगे ऐसे। और अगर आपको बाती यहाँ से खाली लग रही है तो आप ऐसे दो एक जोड़ ऐसे यहाँ भी धर सकते हैं जिससे वो थोड़ा अच्छा लगे। इतना कुल्हे का क्रम हो जाए उसके बाद हम शीश फूल के क्रम पे जाएंगे। शीश फूल पे कलगी भी आए, फूल भी आए, सब मस्तक के श्रृंगार में आएगा। देखिए ऐसे हमने ये शीश फूल भी धर दिया है, कुल्हे का श्रृंगार भी हो गया है।
अब कुल्हे पे ये सोनेरी जो लूम होती है वो भी आएगी। देखिए ऐसे ये सोनेरी लूम भी आएगी। अब जन्माष्टमी पे और एक जो विशेष क्रम होता है वो है दुहेरी चंद्रिका का। आप चंद्रिका का जोड़ तो धरते ही हो, एक की हो, तीन, पांच की हो, सात की हो, नौ की हो, ग्यारह की हो, इतनी जोड़ जो है जन्माष्टमी पे आती है। उनमें से आप जो भी धरो बट वो दुहेरी आती है, मतलब आगे और ये पीछे दोनों एक ही साइड आएगी, दोनों सेम साइड रहेगी। और आगे की साइड आप जिस साइड धर रहे हो वहाँ पे ये तुर्रा भी आएगा, सोनेरी तुर्रा आप धर सकते हैं। देखिए तो ये कुल्हे भी हमने कुल्हे के ऊपर ये चंद्रिका का जोड़ भी धर दिया है, जिसमें तुर्रा भी आएगा, लूम भी धर दी है, शीशफूल भी आ गए, कुंडल आ गए और बातें की सारी माला जी आ गई। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं गादी के श्रृंगार पे। अपने जन्माष्टमी पे एक क्रम ऐसा भी रहता है कि जब भी आप प्रभु को श्रृंगार करना शुरू करें अगले दिन रात्रि को ही आप श्रृंगार का सारा साज यहाँ तैयार रखें। जो गादी श्रृंगार करने वाले हों, जो हार है, वस्त्र नए सिद्ध किए हैं, वो सब आप तैयार रखें यहाँ पे, जिससे अगले दिन अभ्यंग के बाद आपको श्रृंगार कराने में उतावल या जल्दी न हो, ज़्यादा अवेयर ना हो। तो अब हम बाती के जो गादी के श्रृंगार है जन्माष्टमी के से आरंभ कर रहे हैं। देखिए अभी भी जो पदक बीच में आ रहे हैं, शलाका का यूज हम बारंबार करते रहेंगे जिससे श्रृंगार एकदम परफेक्ट हो और अच्छे प्रभु को सुहाए। बाती की जो होती है उसमें ज़्यादा पदक नहीं रहते हैं, आप बाती की भी हर एक माला में पदक लगा सकते हैं, बट गादी की माला जो होती है उसमें यूजुअली सब में पदक होते ही हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा कि सारे पदक को एक के ऊपर एक सेट करना और बाती श्रृंगार एकदम और गादी श्रृंगार वो भी एकदम परफेक्ट करना।
देखिए, जो हमने इतने श्रृंगार धर दिए हैं, सारे पदक एक के ऊपर एक होने चाहिए। अब गादी के और भी माला जी हम धरेंगे। देखिए, अब जो दादी की जो मालाएं बढ़ रही है वो नीचे खिसक ना जाए या बड़ी ना हो जाए। उसके लिए एक सुंदर सा अच्छा सा उपाय है, ये गादी के जो साइड में पीछे का भाग है उसमें आप एक अच्छे से एक धागा या दोरा हो वो अच्छे से फिट कर दीजिए और उसमें से सारे दोरा जो हैं वो निकाल लीजिए, जिससे वो फिट रहेंगे। आपके पास यथा योग्य यथाशक्ति जितने माला जी हैं वो आप पहले धर दीजिए।
ये सारे माला जी आप धर दें, फिर एक इच्छा हो एक सफेद माला जी धर के, अब हम सारे नियम के जो हार होते हैं वो धरेंगे। नियम के हार में पवित्र हार, वल्लभी हार, कस्तूरी माला, जुई हार और कली मतलब कमल माला, उतने अवश्य नियम से आते हैं। जो ये रेड मोती वाला जो है वो वल्लभी हार है। एक के बाद एक अब सारे जो हार होते हैं नियम के वो हम धरते जाएंगे। देखिए ये जो ग्रीन वाला है वो पवित्र हार, ये जुई हार, अब ये कस्तूरी माला हम धरेंगे। श्याम सुनहरी मोती वाली होती है वो कस्तूरी माला है। कस्तूरी माला आप कहीं बीच में भी धर सकते हैं, या तो आप जो गादी के श्रृंगार होते हैं उसकी शुरुआत करें तभी पहले धर सकते हैं, या अंतिम जब हार धर रहे हो सारे उस समय भी आप धरें। देखिए अब वहाँ तो अवकाश है नहीं अंतिम में, तो हम जब गादी के श्रृंगार ने हम जब ने शुरुआत की तभी धर रहे हैं। अब जैसे हमारे पुष्टि मार्ग के जो विशिष्ट या महामहोत्सव बड़े बड़े उत्सव हैं, जैसे कि हमारा जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, महाप्रभु जी का उत्सव है, गोसाई जी का उत्सव है, दिवाली है, वैसे सारे उत्सवों पे प्रभु को दुहेरी गुंजामाला यानी कि दो गुंजामाला धरी जाती है। और आप अंत में ये कमल माला धरेंगे। अब ये जो चोटी जी है वो भी आएगी प्रभु को, वो हमें यहाँ पीछे से ये आगे आएगी ऐसे। गादी माला का सारा क्रम हमने कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम प्रभु को नकवेसर धर दें।
बड़ी सावधानी के साथ देखिए। नकवे सर भी धर दिया है। अब जो है वेणु जी धर दिए पीछे, ओढ़नी भी आ गई जो आपने नई सिद्ध की नहीं है। नई सिद्ध करनी होती है हमें हर जन्माष्टमी पे, वस्त्र ओढ़नी नए आते हैं, कुले जोड़, गुंजामाला सब नया आता है। और अंत में हम ये फूल की माला धर देंगे, उसे भी अच्छे से पहले सेट करेंगे। देखिए एकदम अच्छे से इसे भी सेट करना है, जिससे सारे श्रृंगार के दर्शन अच्छे से हैं। अब आप फूल की माला धरी, उसके बाद आप प्रभु को अब दर्पण दिखा के आगे का क्रम श्रृंगार का करेंगे। देखिए देखिए आप देख सकते हैं ये जन्माष्टमी के श्रृंगार का क्रम। अब जब श्रृंगार हो जाए तब अपन राजभोग का क्रम करेंगे। जब श्रृंगार में सबसे पहले श्रृंगार होने के बाद आप आरसी दिखाएं, उसके पश्चात हम प्रभु को तिलक करेंगे। जन्माष्टमी के दिन तिलक का क्रम श्रृंगार में रहता है, तो हम श्रृंगार में प्रभु को तिलक करेंगे। बधाई गाएगी, बधाई को दिन निको, ये कीर्तन के साथ तिलक होगा। तिलक के बाद प्रभु को राजभोग की तैयारी होगी, जिसके अंदर आपने जितनी भी विशेष सामग्री की है, आपकी नेक की सामग्री है, वो सबके साथ प्रभु को राजभोग धराया जाएगा। राजभोग धराने के बाद प्रभु को उत्थापन का क्रम आप अनौसर करवाएं, अनौसर के बाद उत्थापन का क्रम करें, उत्थापन के बाद भोग संध्या का जो आपका क्रम है वो करें, भोग संध्या के बाद जब शयन भोग आएगा तब शयन भोग भी आएगा, तब श्रृंगार वड़े नहीं होंगे, श्रृंगार वड़े नहीं होंगे अभी तब। अब अपने यहाँ तो प्रभु शयन भोग भी अरोगेंगे। शयन भोग के बाद प्रभु को जब शयन कराने की बारी आएगी, वैष्णवों के यहाँ एक बात का खास ध्यान रखें, हमारे घर पे जागरण का क्रम नहीं होता है। जागरण का क्रम सिर्फ वैष्णव हमारी हवेलियों में, मंदिरों में होता है। अगर गुरु घर की आज्ञा हो तो आप उसे लेके चल सकते हैं, बट सामान्यतः वैष्णव के घर में हम जागरण का क्रम नहीं रखते हैं। तब प्रभु को अब हम शयन करवाएंगे, तब श्रृंगार वड़े करने हैं। दूसरे दिन जब प्रभु जागेंगे तब आप वापस से श्रृंगार क्रम करके पल्लानंद महोत्सव का क्रम करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जन्माष्टमी का श्रृंगार क्रम और सेवा क्रम, जिसमें हमने बाती के सारे श्रृंगार देखे हैं। एक क्विक रिकैप ले तो हमने सबसे पहले अच्छे से बाती धराई, बाती धराने के बाद हमने सारी एक के बाद एक माला जी सेट करके धराई है, उसके बाद मस्तक का श्रृंगार किया है, मस्तक के श्रृंगार कुले जोड़, उसके ऊपर सरवल तवल के बाद जड़ाऊ छोर, दुहेरी चंद्रिका और लूम तुर्रा धरे हैं, शीश फूल भी धरा है, उसके बाद वाघनख भी जो अवश्य आता है वो धरना है हमें, उसके बाद गादी के श्रृंगार का क्रम किया हमने,
जिसमें सारे गादी के क्रम किए, गादी श्रृंगार का क्रम और जो नियम के हार हैं, पवित्र हार, वल्लभी हार, जूई हार, कली माला, कमल माला, चंद्र हार भी आता है, चंदन हार भी आता है, ये सारे नियम के हार, और दुहेरी चंद्रिका जो मुख्य उत्सवों पे आती है। उसके बाद हमने चोटी धरी है, चोटी धरने के बाद वैणु जी धरे आप, वैणु जी के बाद हमने नए जो वस्त्र सिद्ध किए हैं, ओढ़नी नई सिद्ध की है प्रभु की, वो धरी, और उसके बाद फूल के माला जी, और फिर आप दर्पण दिखा के आरसी करा के प्रभु को आगे का श्रृंगार क्रम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जन्माष्टमी पे श्रृंगार क्रम। धन्यवाद।